दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज का दिन याद रखिएगा क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन दिल्ली में आपको दो तस्वीरें देखने को मिली होंगी, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से शान और शौकत के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिंगोल के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर कैमरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को वहाँ पर नए भारत का सपना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उस नए भारत में क्या हो रहा है, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाएगी, चारों तरफ कैमरा मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से नए पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आज की तस्वीर है। दूसरी तरफ इसी नए भारत के अंदर आप देखिए जो बगल में तस्वीर है जंतर मंतर की है, जहां पर महिलाओं के साथ पुलिस किस तरीके से व्यवहार कर रही है आपके सामने। क्या ये सच में नया भारत है, जहां पर बेटियां तिरंगे को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही, जूझते हुए दिखाई दे रही। ये वही तिरंगा है जिसकी शान बढ़ाते हुए ये बेटियां नजर आई थी। जब आज इन बेटियों के साथ इस तरीके का सुलूक हो रहा है तो कोई भी सत्ताधारी इंसान बोलना नहीं चाहता। आज इन बेटियों के साथ जो भी हो रहा है वो देश शायद याद रखेगा, क्योंकि यही बेटियां हैं जिनके लिए बोला गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन क्या सच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ एक खोखलापन था, ये आज देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से व्यवहार होता हुआ नजर आ रहा है उन महिलाओं के ऊपर जो लगातार अपने आत्मसम्मान को लेकर लड़ते हुए दिखाई दे रही थी, 35 दिन से ऊपर हो गया। लेकिन पुलिस का इस तरीके का रवैया क्या सही है, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। अगर बात की जाएगी आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ उद्घाटन करते हुए नजर आए और उनके शानो शौकत में कोई कमी ना आए, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, इस वजह से दिल्ली की अगर बात की जाएगी सारे बॉर्डर पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। किसान बाहर खड़े हुए थे, किसानों का ये कहना था कि हम नए संसद के बाहर जाके धरना देंगे, हम बात रखेंगे जो हमारी बेटियां कह रही हैं, हम उसके लिए इंसाफ की बात करेंगे। जो लोग 35 दिन से जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, जो लोग लगातार अपनी बात उठा रहे हैं लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, मीडिया उनकी बात नहीं सुन रही, इसी को लेकर आज किसान दिल्ली में इकट्ठा होने थे। लेकिन आप सभी को पता होगा, आप सभी ने ये सारी तस्वीर देखी होगी, जहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से छावनी में बॉर्डर को तब्दील कर दिया गया है जो दिल्ली के बाहर है। फिर चाहे मैं टिकरी बॉर्डर की बात करूँ, फिर चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करूँ, चाहे सिंघू बॉर्डर की बात करूँ, हर एक जगह पुलिस तैनात है। समझिएगा सोचिएगा, क्या सच में किसानों से सरकार को इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि पुलिस फोर्स इस कदर लगा दी है कि वहाँ पे परिंदा भी पर ना मार पाए। क्या बेटियाँ कुछ गलत काम कर रही हैं, क्या ये बेटियाँ जिन्होंने देश का नाम रोशन किया तिरंगे का नाम रोशन किया उनकी आज ये हालत होना सही है? क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त के दिन महिला सम्मान को लेकर जो नारा दिया था, जो बातें कही थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक खोखलापन है? आज इस तस्वीर में सब कुछ साफ हो रहा है। आज इस तस्वीर में आप सब कुछ देख सकते हैं जो जंतर मंतर दिल्ली में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे नई संसद बनी है उससे कुछ ही दूर पर यह तस्वीर भी सामने आई है। पूरा देश शांत है, पूरे देश में कोई भी इसे लेकर कुछ कहना नहीं चाहता, खासकर अगर गोदी मीडिया की बात करूं मैं। ऐसा क्यों, किस लिए, यह समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ आरोप लगाया है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उस पर कार्रवाई करने की बात हो रही थी, उस पर आगे बात हो रही थी कि जांच बढ़े, इसे लेकर प्रदर्शन कर रही थी ये बेटियां, तो क्या गलत कर दिया? अभी ये तो सिद्ध दोस्तों नहीं हुआ था कि बृजभूषण सिंह को लेकर जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो सही है। ठीक तरीके से अगर जांच भी हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन इस जांच से पहले इस तरीके का व्यवहार उन लोगों के साथ जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन बेटियों के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई दिखाई दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी कई तस्वीरें उनके साथ हो रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होगा इस न्यू इंडिया में, जहां पे एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद का उद्घाटन करते हैं और दूसरे तरफ जंतर मंतर पे ये देखने को मिलता है। आपको दोस्तों कई खबर बताना चाहूंगा इससे जुड़ी हुई जो सामने आते हुए दिखाई दी। अभी बात की जाएगा टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर पर किसान मौजूद हैं। किसानों की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब तक बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता और उन्हें हिरासत में रखा जाएगा तब तक हम अपने बॉर्डर पर बैठे रहेंगे, यानी कि ये भी कहा जा सकता है अब ये मोर्चा किसानों की तरफ से संभाला जा सकता है। राकेश टिकैत का ये आप ट्वीट देख सकते हैं, अभी मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ चर्चा करना चाहूंगा इसी खबर से जुड़ी हुई, जहां पे किसान संगठन के कई लोग बताया जा रहा है कि घर के सामने उनके पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, या फिर ये कहा जा सकता है उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि घर के सामने पुलिस तैनात की गई है और कई तस्वीरें सामने आते हुए लगातार दिखाई दे रही। कल से ही ये काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर पुलिस ने कल से ही ये पूरा हिसाब लगा लिया था कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से किसानों को रोकना है और जिन कार्यकर्ताओं की बात दूसरे लोग सुनते हैं उन्हें किस तरीके से वहां पर रोक के रखना है, ये सारी प्लानिंग कल से ही चलते हुए दिखाई दे रही थी।
तस्वीरें मैं आपके सामने लगातार पेश करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। ऐसी कई तस्वीरें सामने आते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इससे भयंकर तस्वीर नहीं हो सकती जहाँ पर सरकार तानाशाही करते हुए दिखाई दे रही। अगर जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए बनाया गया है, जंतर मंतर आज से नहीं बना, कई सालों से जंतर मंतर पर लोग अपनी आवाज़ रखते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं उस समय भी जंतर मंतर पर लोग प्रदर्शन करते थे, तो आज जंतर मंतर का हाल इस तरीके का क्यों हो गया? जहां पर सुबह से अगर बात करूं मैं तो दोस्तों पूरी तरीके से उसे छावनी में बदल दिया गया था। सुबह से ना ही कोई जंतर मंतर के अंदर जा सकता था और ना ही कोई बाहर आ सकता था। पुलिस प्रशासन अगर बात की जाएगी पूरी तरीके से वहां पर मौजूद थी, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे, मीडिया के लोगों को भी ठीक से जाने नहीं दिया जा रहा था, मीडिया को लोगों को भी अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। दोस्तों बीजेपी फिलहाल तो नहीं चाहती कि इन बेटियों को इंसाफ मिले, क्योंकि अगर बात की जाए हर एक पार्टी का नेता वहां पर मौजूद दिखा। जंतर मंतर की अगर मैं बात करूं जंतर मंतर पर हर एक पार्टी का नेता आता हुआ दिखाई दिया, उन महिलाओं के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया जो इंसाफ की गुहार लगा रही थी, लेकिन बीजेपी के बड़े से बड़े चेहरे वहां से गायब दिखे। वो चेहरे जिन्होंने एक मूवी के आधार पर पूरे देश को बताने की कोशिश की कि देखिए देश के अंदर बेटियों के क्या हाल हो रहा है, इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए, लेकिन सच में जो हकीकत में हो रहा था उस समय जंतर मंतर पे उस पर कोई भी बोलना नहीं चाहता। साफ है किस पे बात करनी है किस पे नहीं करनी, ये राजनीति तय करेगी, इंसान तय नहीं करेगा। देश में संविधान है लेकिन संविधान के हिसाब से भी काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। संविधान में ये कहा गया है कि अगर कोई इंसान उसे इंसाफ नहीं मिलता तो प्रदर्शन कर सकता है, ऐसे में प्रदर्शन पर रोक लगाना क्या संविधान के खिलाफ जाना नहीं है? मेरा एक सवाल था, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। अभी अगर बात करूं तो राकेश से ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब तक हमारी बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम अपने पुराने जगह पर धरना देते हुए यानी कि प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पे ही हम डटे रहेंगे जब तक हमारी बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता। आपके सामने क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं राकेश टिकैत रखना चाहूंगा, उसके बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहलवान बेटियों को जबरन सड़क पर घसीटने वाली केंद्र सरकार संसदीय मर्यादाओं की दुहाई देकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है, लेकिन बेटियों की चीख आज हुक्मरानों को नहीं सुनाई दे रही। हमारे बेटियों को हिरासत से छोड़ने और न्याय मिलने तक किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहेंगे। वो बेटियां जो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही थी उनके साथ तिरंगा भी सड़क पर गिरा हुआ है, जब पुलिस उनके साथ बर्बरता करते हुए दिखाई दे रही थी, खींच तान करते हुए दिखाई दे रही थी, अब इस तिरंगे का भी यहाँ पर अपमान होता हुआ इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जिसे बेटियों ने उस समय अपने गले से लगा रखा था, जिसे लगातार उठाते हुए दिखाई दे रही थी। आपके सामने ये वीडियो, पुलिस लगातार उनसे खींचातानी कर रही थी और झंडे को वो संभालते हुए दिखाई दे रही थी। ये तस्वीर राकेश टिकैत ने शेयर की है और दूसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की राकेश टिकैत ने शेयर की है, जहां पे आप किसान का जत्था देख सकते हैं, जहां पर किसान मौजूद हैं और राकेश टिकैत ने ये कह दिया है जब तक बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम खड़े रहेंगे। आज ही के दिन दिल्ली से दो तस्वीरें सामने आई जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ नई संसद का उद्घाटन करते हुए दिखाई दिए। आज ही के दिन जंतर मंतर की भी तस्वीर दिखाई दी जहां पे बेटियों के साथ इस तरीके का सलूक हो रहा था। वो सरकार इस तरीके का सलूक कर रही है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन महिला सम्मान पर बड़ा भाषण दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये सारी बातें दिल्ली के अंदर ही देखने को मिल रही है। क्या बातें सिर्फ बातें ही रह गई, क्या उसमें कोई दम भी है? क्योंकि ये तस्वीरें बता रही है कि सरकार की बातों में कितना खोखलापन है। सरकार की बातें सिर्फ ऊपर ही ऊपर जनता को बताई जाती हैं, लेकिन असल में तस्वीरें जो दिल्ली से सामने आती हैं वो आप देख रहे हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। अभी तक अगर आप हमसे जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जरूर जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।